शहर की सरकार का चुनाव जिस तरह से सामने है, आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये शिवपाल सिंह यादव का आवास है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जिस तरह से निकाय चुनाव मतलब शहर की सरकार को लेकर हर किसी की उम्मीद है, जहां एक तरफ जनमानस ये चाहता है कि उसके विकास कार्य हों, वहीं जो नेतागण हैं वो भी अपना दावा कर रहे हैं। शिवपाल सिंह के यादव के आवास पर आप देखेंगे इतनी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दावे हैं लोगों के कि हम विकास कार्य करेंगे। तो जो इटावा नगर पालिका, भरतरा नगर पालिका और जसवंत नगर नगर पालिका, यहाँ पर तीन नगर पालिकाएँ और तीन नगर पंचायतें हैं, तो जिस तरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं उन्हीं कुछ नेताओं से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन अंसारी। अगर ये यहाँ पर सीट महिला है तो हमारी पत्नी मुसलिम बेगम। आप चेयरमैन के लिए? हाँ, चेयरमैन के लिए हम दावा कर रहे हैं साहब कि हम, अगर हमें मौका मिलता है तो हम जो है पार्टी के लिए कुछ आगे जो चुनाव आएगा 2024 का उसको भी जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, और आगे भी 27 हो सकता है कि 27 से पहले ही, मतलब ये है अगर ऊपर सरकार बदलती है तो 27 से पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। अच्छा, जिस तरह से आप लोग आज शिवपाल जी के पास आए हैं, क्या आप लोगों की मांग रहेगी? हमारी मांग ये रहेगी कि साहब ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो वाकई समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं और कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, और कुछ कर सकते हैं शहर के लिए, शहर की गंदगी को हटा सकते हैं, शहर में सफाई करा सकते हैं, और किसी गरीब के ऊपर कोई मुसीबत आए, अगर पुलिस परेशान करे तो उनके लिए भी तो ये शहर इटावा में चेयरमैन पद के लिए दावा के लिए शिवपाल यादव से मिलने आया। मेरे साथ एक सज्जन और भी हैं। क्या नाम है आपका? जी विपिन यादव, नगर भरतना से। जी भरतना, चेयरमैन के लिए आप? जी बिल्कुल, मैं चेयरमैन पद के लिए दावेदार हूँ नगर भरतना से, और उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है हमें हमारी दावेदारी को जो स्वीकार करे और सीट निकाल के हम निश्चित रूप से दे देंगे। तो आज जो इतनी भीड़ है, सब कोई ना कोई टिकट के लिए आया है? जी, अब सभी लोग आए हैं, अब राष्ट्रीय नेता देखिए क्या फैसला लेता है। हम तो पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि हमने शुरू से जनता के बीच में ही काम किया है। जी बिल्कुल, और जात बिरादरी छोड़ के लोगों को अपने साथ जोड़ा है मैंने। अच्छा, जोड़ों को एक साथ जोड़ा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं चौगुट जी से ही हूँ, मेरा नाम पूनम पांडे है और मैं सभासद का टिकट मांग रही हूँ। अच्छा, सभासद का टिकट मांग रहे हैं, तो किस तरह से आज शिवपाल यादव के यहाँ आना हुआ, क्या आप लोगों का अपना दावा है? हम लोग तो पहले से ही जुड़े हैं और हम लोग करहल के ही हैं और यहाँ रहते हैं और यहाँ भी हमारा आवास है, और मैं सोचती हूँ कि मुझे टिकट मिलना ही चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं डाबा से हूँ। आप भी दावेदार हैं? नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं दावेदार था पहले ही, दे चुका हूँ जो कुछ देना था। अच्छा, अगर मुस्लिम के अलावा किसी को टिकट मिला तो हम भी उसमें दावेदारी करेंगे। चेयरमैन, तो ये आपने एक तस्वीर देखी कि जो सारे लोग हैं, हर किसी के चेहरे पर एक ही इस बार दावा है कि पार्टी से अपना टिकट मांग रहे हैं। शिवपाल यादव चूंकि देर शाम इटावा पहुंचे और उसके बाद सुबह से ही उनके आवास पर भीड़ लग गई, तो जिस तरह से पूरे प्रदेश से कमोबेश तस्वीर आ रही है, वैसी ही एक तस्वीर चूंकि दूसरे चरण का जो मतदान को लेकर नामांकन शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं 17 तारीख के बाद आज 18 हो गई है, हर किसी के मन में एक सवाल है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, और जिसके चलते आज इतने सारे नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।